हेलो मित्रों, आज का वीडियो हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, फॉरगिव माय वर्ड्स, लेकिन आप लोगों ने भाई ये क्या लगा रखा है कि सर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। कब होगा हमारा एग्जाम सर? नवंबर में हमारा एग्जाम कब होगा? अरे एग्जाम में भाई 2 महीने भी नहीं बचे, एग्जाम के अंदर 2 महीने भी नहीं बचे हैं माई डियर फ्रेंड्स, और हम लोगों को मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। चलो मैं आपसे ये सारी बातें आज करने वाला हूं, जो बोलूंगा ना दोस्तों सच्चे मन से बोलूंगा, कोई फिल्टर नहीं होगा भाई, कोई फिल्टर नहीं होगा, कोई मैटर मैंने लिखा हुआ नहीं है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। और अगर हिम्मत है ना तो सुन लेना मेरी बात को, वरना भाई साहब वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस कोर्स प्लस के अंदर लाइव आपको क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट मिलेगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। ये ऑफर हमारा खत्म हो चुका है। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है भाई तो आप सीए अमित कोड यूज कर लेना, स्पेशल डिस्काउंट है। डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब मिलेगा आपको। स्पेशल क्लास फ्री देखनी है डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी ऐप, वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। सीए अमित कोड यूज कर लेना अनलॉक करने के लिए। ये मेरा बैच डीटी का स्टार्ट हो चुका है, प्लस के ऊपर जाकर देख लीजिएगा। अभी मेरी अनअकैडमी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लस का है, आप लोगों को सी एमित कोड यूज करना है, स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप डीटी का क्लास लोगे तो आईडीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन फ्री मिलेगा आप लोगों को। एक सब्सक्रिप्शन एक सब्जेक्ट का पे करो, सारे फ्री मिल जाएंगे सी एमित कोड यूज करने पर। तो दोस्तों बात क्या है, सुनो बात क्या है। देखो जी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, बात ये है दोस्तों कि आप लोगों को मुझे ये नहीं समझ में आता है यार, आप लोग पढ़ाई करोगे कब? देखो आप लोग मुझे हमेशा पता है किस बात के लिए याद करते हो, सर हमारा एग्जाम कब होगा, सर हमारा एग्जाम पोस्टपोन करवा दो। देखो भाई लास्ट ईयर का सिचुएशन अलग था, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी, इंस्टीट्यूट एग्जाम कराना चाह रहा था तो हम लोग बार बार इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, और हमारी रिक्वेस्ट कुछ हद तक सफल भी हुई, आप लोगों को एग्जाम के लिए एक और मौका मिला। लेकिन भाई अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इंस्टीट्यूट एग्जाम करवा चुका है जुलाई का, नवंबर का एग्जाम आप लोगों के सामने है। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ यार, एग्जाम नवंबर के एंड में हो जाएगा तो की फर्क पड़ जाएगा, 15 दिन आपको ज्यादा मिल जाएंगे, और फर्स्ट वीक में हो जाएगा तो 2 महीने मिलेंगे, अब तो 2 महीने भी नहीं बचे, तो भाई किस बात का इंतजार है मुझे ये बताओ। और सर हमसे पढ़ाई नहीं होती, क्यों नहीं होती पढ़ाई? देखो आपको मेरे वीडियो में कुछ चीजें बुरी लग सकती है, लेकिन आज मैं जो भी बोलूंगा ना दोस्तों विदाउट एनी फिल्टर बोलूंगा, अगर हिम्मत है तो सुन लेना भाई, नहीं वीडियो को बंद करके चले जाओ। देखो पढ़ाई क्यों नहीं होती है मैं बताता हूं आपको क्या रीजन है। आपके पास है सोशल मीडिया, दिन भर उसको लेकर बैठे रहते हो, जब देखो जब चालू कर दिया इंस्टा पर चले गए हैं, सर हमको अपडेट मिलता है, क्या अपडेट मिलता है भाई आपको, हम कौन से कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो हमको अपडेट चाहिए? अरे 2 महीने भी नहीं बचे एग्जाम के अंदर, हम पढ़ाई कब करेंगे भाई? सब कुछ करेंगे हम, दोस्तों से गपशप लड़ाएंगे, मजे करेंगे, और एक ये जो फ्रेंडशिप का चक्कर है ना भाई, ये तो बिल्कुल आपको बर्बाद करके छोड़ेगा भाई। आप जिसको ट्रू लव बोलते हो, वो ट्रू लव मैं तब मानूंगा जब 2 महीने के लिए नमस्ते कर दो मैडम को, और मैडम नमस्ते कर देगी सर को कि 2 महीने बाद मिलेंगे भाई, अब एग्जाम है। अगर ट्रू लव होगा ना तो 2 महीने के बाद भी बात हो जाएगी। छोड़ो इन सब चीजों को, रिलेशनशिप के मैटर्स को, भाई साहब सीए में लगना है ना तो पूरा जमकर पढ़ना पड़ता है, ये सब चीजें छोड़नी पड़ती है दोस्तों, ये सब चीजें छोड़नी पड़ती है। मेरे साथ भी हुआ है ये, जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था भाई साहब फोन आ रहे हैं मेरे पास कोई लड़की का फोन आ रहा है, मैं मना कर रहा हूं भाई मेरे को सीए करना है। इन सब चीजों से हाथ जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, अगर इन सब चीजों के पीछे पड़े रहोगे भाई कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया आपको नहीं पढ़ने देगा दोस्तों, अगर हिम्मत है ना आपके अंदर तो इंस्टा को डिलीट कर दो, फेसबुक को डिलीट कर दो, इन सब को डिलीट कर दो, चैटिंग सेटिंग के जितने काम है इनको डिलीट कर दो, है हिम्मत करो अपने मोबाइल में से डिलीट, नहीं कर सकते ना, बस बात हो गई वहीं खत्म। अरे एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा यार, वो बाद की बात है, क्या आपके एफर्ट्स इतने हैं जो आप लोगों को यहां पर होने चाहिए? अरे जितने एफर्ट्स हैं क्या आप उतने कर रहे हो जितने रिक्वायर्ड है? जरा सोचो अपने मन में, क्या आप कम एफर्ट्स के साथ अगर एग्जाम में फेल हो जाते हो तो अपने आप को क्या जवाब दोगे दोस्तों? क्या जवाब दोगे अपनी आत्मा को, मुझे इस बात बारे में बताइए,
क्या जवाब देंगे हम अपने आप को? क्या हम ये सोचेंगे कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की थी? अरे आप अपना 100% तो दो यार। क्या आप अपना 100% दे रहे हो आज की तारीख में? आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। और जो 100% दे रहे हैं ना दोस्तों, वो अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, वो भाई साहब एक एक बार पूरा कोर्स करके बैठ गए, उनके रिविजन चल रहे हैं। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रिविजन क्या हुई, उनकी क्लासेस तक कंप्लीट नहीं है। किसी सब्जेक्ट को 10% कर लिया, किसी को 20% कर लिया, किसी को 30% कर लिया। क्या इससे आप एग्जाम को पास करोगे? क्या इससे आपका सीए एग्जाम क्रैक होगा दोस्तों? मुझे बताइए आप। और बात सीए एग्जाम की नहीं है दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी करना है तो दोस्तों आपको उसके अंदर पूरा घुटकर पूरा अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों, उसको समय देना पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर वो चीज मिलती है। अरे बिना तपे सोना भी सोना नहीं बनता मेरे भाई, बिना तपे सोना भी सोना नहीं बनता। सोना बनने के लिए उसको तपना पड़ता है, भट्टी में जाकर उसको तपना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, तब वो सोना बनता है। तो आप किस होश में हो भाई, किस होश में हो आप? कब होगी आपकी पढ़ाई मुझे बताइए। सर नवंबर एग्जाम कब होगा? सर नवंबर एग्जाम कब होगा? अरे होगा जब हो जाएगा यार, छोड़ो उस बात को। 15 दिन ज्यादा मिल जाएंगे, की फर्क पैदा है, बढ़िया है ना, आप रिविजन कर लेना 15 दिन में। क्या करोगे डेट जानकर मुझे एक बात बताओ। देखो मेरी ये बातें आज आपको चुभ सकती है यार, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों को दोस्तों। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो को बंद कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मैं आज बोलूंगा आप लोगों के लिए। भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा? अच्छा ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स को मैं क्लियरली बता चुका हूं भाई, आप लोगों का एग्जाम अब न्यू स्कीम के अंदर होने वाला है। आप लोग न्यू स्कीम में कन्वर्ट करा लो, कोई मतलब नहीं है, किसी बात का इंतजार मत करो भाई, और क्लासेस देखना शुरू कर दो। जो आपका नया पेपर में कुछ नया एडिशन है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझो मेरी इन बातों को। तो भाई मोटिवेशन क्यों चाहिए आप लोगों को? मोटिवेशन अंदर से आता है भाई, ये वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आता है कि किसी का वीडियो उठाकर देख लिया। सारी किताबों का एक ही सार है भाई, अगर कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है दोस्तों, तो उसके अंदर घुसकर उसकी तह तक जाना पड़ेगा दोस्तों, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला। कई बच्चे कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दो, मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा, मैं वो चैप्टर छोड़ दूंगा। भाई एक बार सीए का एग्जाम है, सारा पढ़ लो, जब रिविजन होता है ना तब ये चीजें काम देती है, तब आपकी वो जो एबीसी जो एनालिसिस होता है, कौन सा चैप्टर करना है, वो सब उस वक्त काम देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरी बात को समझो दोस्तों, और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो। ऐसे काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप समझिए मेरी बात को। क्यों भाई हम क्यों घर वालों की आंखों में क्यों हम धूल झोंक रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं यार, अपने आप को धोखा दोगे आप। आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों, आपको पूरे दिल से पढ़ाई करनी है, और नहीं करनी है ना तो दिखावा मत करो यार पढ़ाई करने का। ये जो पढ़ाई करने का दिखावा है ना, ये मत करो बस आप। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपने सच्चे मन से करो जो काम करना है, नहीं करना है छोड़ दो, साफ मना कर दो। लेकिन अगर पढ़ना है तो पूरे दिल से पढ़ना है, 100% एफर्ट्स के साथ पढ़ना है। अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं भाई, पूरा प्लानिंग कर लो। क्लास नहीं ली, अब 2 महीने में कब क्लास लोगे, कब रिविजन करोगे, कब मॉक टेस्ट दोगे? भाई जो मैरिड वाले बच्चे होते हैं ना जिनकी आप बातें करते हो, मैं मैरिड लाऊंगा, भाई साहब वो कोर्स करके बैठ चुके, उनके रिवीजन चल रहे हैं, किसी का पहला रिवीजन, किसी का दूसरा रिवीजन, और वो मॉक टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, हम हाय हेलो कर रहे हैं, सुबह शाम दोस्तों से बात कर रहे हैं। अरे करना क्या है यार, 10 से 12 घंटे का रोज आउटपुट निकालना है। कैसे निकलेगा? बनाओ 3-3, 4-4 घंटे के स्लॉट, सुबह उठ के 3-4 घंटे पढ़ो, फिर दिन में 3-4 घंटे पढ़ो, फिर शाम को 3-4 घंटे पढ़ो, हो गए 10 से 12 घंटे। लेकिन हमको भाई साहब मूड बनाने के लिए टाइम लगता है। हम सुबह उठेंगे, हमारा मूड नहीं होता पढ़ने का, हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए, हमको चैटिंग चाहिए, हमको सेटिंग चाहिए, क्या चाहिए आपको? ये जो फ्रेंडशिप है दोस्तों, ये जो आपकी फ्रेंडशिप है, ये आप लोगों को कुछ देगी? ये कुछ नहीं देने वाली भाई। मैडम किसी और के साथ चली जाएगी और भैया किसी दूसरी मैडम के साथ चले जाएंगे, इनको हाथ जोड़कर मना कर दो भाई, हाथ जोड़कर मना कर दो, 2 महीने दूर रहो भाई। जिसका ट्रू लव होगा ना, वो अपने आप, वो तो मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, वो कहता है जा कर भाई कर, मेरे से बात मत कर, वो ऐसे बोलता है।
अगर वो आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना तो छोड़ो यार, उन सबके हाथ जोड़ दो, ये आप लोगों को जिंदगी में काम नहीं देने वाले। आपके पेरेंट्स को देखो, उनकी आंखों में देखो क्या सपने सोचे उन्होंने, उनसे बात करो मेरे भाई। तो मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई में मन लगाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो उसको। और बात रही रिवीजन वीडियो की, तो वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे, आईडीटी का भी करवाऊंगा, डीटी का भी करवाऊंगा। तो ये बार बार मैसेज नहीं करने चाहिए कि सर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, सर वो एग्जाम कब होगा, सर वो हमारा ओल्ड, हम ओल्ड स्कीम के बच्चे, हमको एक और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। देखो जिसके घर में हेल्थ प्रॉब्लम है ना यार, मैं समझता हूँ, उनकी बात छोड़ो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसके घर में सब कुछ सही है यार, उसके कोई टेंशन नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो क्या रीजन है ये पढ़ाई नहीं करने का, आप मुझे बताइए क्या रीजन है ऐसा जो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, यही वो सारे रीजन है। तो दोस्तों विचार करिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में इतनी सी भी इंसानियत हो ना, तो दोस्तों पढ़ाई करने बैठ जाना, वरना मजे करो, टाइम पास करो, और एक बार दिल में सोच लो कि अगर बिना 100% एफर्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हो, क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो आप? अरे ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसके अंदर आपको मलाल होगा फ्यूचर में? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस डिग्री को नहीं करते हो, आप इस पढ़ाई को नहीं करते हो, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हो, तो आपको जिंदगी भर मलाल रहेगा कि मैं काश उस समय कर लेता। लेकिन दोस्तों उस समय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं रहेगा दोस्त, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाएगी आपके ऊपर, और आप पढ़ना भी चाहोगे ना तो नहीं पढ़ पाओगे, एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। तो आपका बड़ा भाई हूं भाई, अगर मेंटोर मानते हो, आप टीचर मानते हो, आपको समझाने के लिए आया हूं, बाकी आपका मन है भाई, जैसी जिंदगी जीने जियो, आपका काम है, जैसा आप करना चाहो करो। थैंक यू सो मच। अगर क्लासेस नहीं लिया है तो लेना शुरू करो, देखना शुरू करो, मेरे रिवीजन वीडियो फ्री आने वाले हैं, आप उसके लिए कनेक्टेड रहो, सीए अमित कोड यूज करो, अगर पूरा क्लास देखना है डीटी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाओ फटाफट से पढ़ाई कर लो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच।